नमस्कार दोस्तों, आपको आरजे वाला आपका स्वागत है। और इस वीडियो में आपसे बात करने वाले यहाँ पे Realme UI 2.0 के ऑफिशियल गेम स्पेस के कुछ फीचर्स के बारे में, या वो दोस्तों Realme UI 2.0 के गेम स्पेस के कुछ ऑफिशियल फीचर्स बाहर निकल के आ चुके हैं जिसके बारे में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और सब कुछ भैया ऑफिशियल है, कोई भी लीक्स वगैरह नहीं है, क्योंकि यार आप सभी को ऑलरेडी पता ही होगा कि चाइना के अंदर Realme X2 Pro में Realme UI 2.0 का जो बीटा 1 है वो ऑलरेडी आ चुका है। और वहीं से भैया मुझे मिला है ये सब स्क्रीनशॉट, इसके बारे मैं आपको बताऊंगा। बहुत सारे फीचर्स नए ऐड हुए Realme UI 2.0 के गेम स्पेस के अंदर, तो वीडियो को पूरा देखो, आपको ये वीडियो जरूर से पसंद आएगा। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को हमेशा की तरह एक लाइक कर दीजिए और एम करते हैं फिर से 300 लाइक्स की उम्मीद है कि आप कर ही दोगे। और साथ ही साथ यार, अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से ज्वाइन कर लो, लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में। अब यहां पर दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले फीचर की नंबर 1, तो वो यहां पे है कंट्रोल मेनू को लेके। अब यहाँ पर दोस्तों आप सभी को ऑलरेडी पता ही होगा कि ColorOS 6 में एक फीचर था जो कि था भैया कंट्रोल मेनू। अगर आप अपने फ़ोन के लेफ्ट साइड से स्वाइप करते थे कोई भी गेम खेलने के टाइम पे, तो भैया आपको एक छोटा सा कंट्रोल मेनू देखने को मिलता था। लेकिन ColorOS 7 या फिर Realme UI कह लो, उसके अंदर भैया उस कंट्रोल मेनू को रिमूव कर दिया गया था। तो वही जो कंट्रोल मेनू है ना, वो वापस से आ रहा है Realme UI 2.0 के साथ में, लेकिन इस बार वो राइट साइड से आएगा। मतलब इस बार वो हो चुका है राइट साइड कंट्रोल मेनू। और साथ में यार आपको एक ब्रांड न्यू फीचर भी देखने को मिल जाएगा कंट्रोल मेनू के अंदर, जो कि यहाँ पे है भैया मोबाइल फोन एक्सेलरेशन। अब इस फीचर के जरिए होगा क्या, मैं आपको बताता हूँ। देखो, मान लो कि आप कोई भी गेम खेल रहे हो, सपोज आप पबजी खेल रहे हो और उस टाइम पे आपको अपने फोन को थोड़ा सा बूस्ट करना है, तो उस टाइम पे आप सिंगल क्लिक में जो मोबाइल है ना उसको थोड़ा सा बूस्ट कर पाओगे। मतलब जो यार बैकग्राउंड में प्रोसेस वगैरह चल रहा है उसको आप क्लीन कर पाओगे, बेसिकली जो रैम है ना उसको थोड़ा सा पे फ्री कर पाओगे सिर्फ सिंगल क्लिक में। आपको बस करना क्या है, अपने फोन के स्क्रीन के राइट साइड से बस एक स्वाइप करना है, उसके बाद में आपके सामने आ जाएगा कंट्रोल मेनू। और वहां पे भैया आपको सबसे ऊपर मिलेगा एक बूस्ट का आइकॉन, उस आइकॉन के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करोगे जो मोबाइल है ना वो यहाँ पे बूस्ट हो जाएगा। तो ये जो ब्रांड न्यू फीचर है मोबाइल फोन एक्सेलरेशन, ये आने वाला है Realme UI 2.0 के गेम स्पेस के अंदर। यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं फीचर की, जो कि यहाँ पे भैया नंबर 2, एड पावर डिस्प्ले। अब ये जो फीचर है ना, ये भी पहले से अवेलेबल था लेकिन इसको रिमूव कर दिया गया है, लेकिन Realme UI 2.0 में ये वापस आने वाला है। देखो, बेसिकली होता क्या है, Realme UI के अंदर आपको जो गेम स्पेस देखने को मिलता है, अगर आप उस गेम स्पेस के डैशबोर्ड पे जाओगे तो वहां पे आपको पहले बैटरी परसेंटेज देखने को मिलता था। लेकिन यार अगर आप अभी जगह चेक करोगे ना, तो आपको बैटरी परसेंटेज देखने को नहीं मिलेगा। मतलब यार अगर आपके फोन में वर्जन 2.0.28 या फिर उससे ऊपर वाले वर्जन इंस्टॉल्ड है, तो आपको बैटरी परसेंटेज देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अच्छी बात है यार, Realme UI 2.0 के साथ में आपको जो गेम स्पेस मिलेगा उसके अंदर बैटरी परसेंटेज वापस आ चुका है। यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं अगले फीचर की, तो वो यहाँ पे भैया नंबर 3, एडेड न्यू मोड्स। अभी यार आपको Realme UI 2.0 के गेम स्पेस के अंदर कुछ नए मोड्स देखने को मिलेगा। यहाँ पे भैया फिलहाल निकल के आया है ई स्पोर्ट्स मोड करके एक नया ऑप्शन। अब इस ऑप्शन के जरिए क्या होगा उसके बारे में तो ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन ना सिर्फ इतना कह सकता हूँ Realme UI 2.0 के अंदर जो गेम स्पेस आने वाला है उसके साथ में आपको कुछ नए मोड्स देखने को मिलेगा, एग्जाम्पल ई स्पोर्ट्स मोड। यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं अगले फीचर की नंबर 4, तो वो यहाँ पे भैया एडेड 4D शॉक। अब इसके रिगार्डिंग भी ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन अब मुझे जहां तक लगता है कि 4D वाइब्रेशन वाला एक फीचर आने वाला है Realme UI 2.0 के गेम स्पेस के अंदर। मतलब यार अगर आप इस 4D शॉक मोड को ऑन करोगे तो उसके बाद में हो सकता है आपको 4D वाइब्रेशन वाला मतलब फीचर देखने को मिल जाए। अब ये सभी फोन्स पे मिलेगा या फिर कुछ स्पेसिफिक फोन पे मिलेगा वो तो नहीं पता। एक्चुअली में मुझे ये नहीं पता कि 4D वाइब्रेशन जो है ना वो क्या हार्डवेयर बेस्ड होता है या सॉफ्टवेयर बेस्ड होता है, ये मुझे सही से नहीं पता है। अगर ये सॉफ्टवेयर बेस्ड होता है तो ये सभी फोन्स के अंदर देखने को मिलेगा। मतलब जिन जिन फोन के अंदर Realme UI 2.0 का अपडेट आने वाला है उन सभी फोन को भैया ये 4D शॉक वाला फीचर देखने को मिल जाएगा। लेकिन अगर ये हार्डवेयर बेस्ड होता है तो भैया ये सभी फोन्स को नहीं मिलेगा। जिन जिन फोन में हार्डवेयर अवेलेबल है उन्हीं फोन में 4D शॉक वाला जो ऑप्शन है ये देखने को मिल जाएगा। मुझे यार सही से नहीं पता कि ये 4D शॉक मतलब ये जो 4D वाइब्रेशन वाला फीचर है इसके लिए हार्डवेयर की जरूरत है या फिर ये सॉफ्टवेयर के जरिए होता है, ये मुझे ठीक से नहीं पता। अगर पता चलता है तो मैं आपको कमेंट सेक्शन में जरूर से रिप्लाई कर दूंगा और उसको पिन भी कर दूंगा ताकि आप सबको पता चले। अब यहाँ पर दोस्तों बात करते अगले फीचर की नंबर 5, तो वो यहाँ पे भैया पॉपअप विंडो को लेके। अब देखिए यार, पॉपअप विंडो के जरिए आपको 2-3 एप्लीकेशन ऐसे मिलते हैं जिसको आप पॉपअप के जरिए यूज़ कर सकते हो, लाइक व्हाट्सअप हो गया या फिर मैसेज हो गया, मतलब नॉर्मल मैसेज हो गया,
उसको आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन अभी यार रियल मी यू आई 2.0 का अपडेट आने के बाद में जो गेम्स में सबको दिया जाएगा उसके ज़रिए आप बहुत सारे एप्लीकेशंस को पॉपअप विंडो के ज़रिए यूज़ कर पाओगे। अभी यार ये मुझे नहीं पता कि उस पॉपअप विंडो के साइज़ को आप कम ज़्यादा कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, ये मुझे नहीं पता। लेकिन आप पॉपअप विंडो के अंदर बहुत सारे एप्लीकेशन का सपोर्ट आने वाला है, तो उसके बाद में बहुत सारे ऐप्स को आप पॉपअप विंडो के ज़रिए यूज़ कर पाओगे। अब यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं फाइनल लास्ट फीचर की, तो वो यहाँ पे भैया स्पेशल म्यूज़िक। अब इसके रिगार्डिंग भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन यहाँ पे स्पेशल म्यूज़िक करके कोई फीचर आने वाला है गेम स्पेस के अंदर, जिसके ज़रिए अगर आप कोई गेम वगैरह खेलोगे ना तो आपके लिए शायद से एक स्पेशल म्यूज़िक प्ले होगा। इसके रिगार्डिंग यार ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, बस इंडिया में आने तो रियल मी यूआई 2.0, उसके बाद में आपको बहुत सारे और चीज़ें बताने वाला हूँ। लेकिन फिलहाल यार इस वीडियो में इतना ही, जितने भी फीचर्स बाहर निकल के आए थे ऑफिशियली, जितने भी फीचर्स बाहर निकल के आए थे रियल मी यूआई 2.0 के गेम स्पेस के रिगार्डिंग, उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। और जहाँ तक बात है भैया वॉइस चेंजर की, तो उसके रिगार्डिंग ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है कि वॉइस चेंजर वाला जो फीचर है वो आया है कि नहीं है, उसके रिगार्डिंग ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। अगर पता चलता है तो उसके बारे में मैं आपको बाद में बता दूंगा। और इतना ही दोस्तों इस वीडियो के अंदर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं अगर चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को दबाकर उस ऑल वाले बटन पर क्लिक कर देना, क्योंकि मैं यहाँ पर रोजाना ऐसे ही वीडियोस लेके आता रहता हूँ। और साथ में एक बात बता दूँ, एपीके मुझे नहीं मिला तो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे मिला ही नहीं है। अगर मुझे मिलता तो इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में बात कर पाते, तो वेट करते थोड़ा सा, जब इंडिया में आएगा शायद से एपीके वगैरह भी बाहर आएगा, उसके बाद में मैं इसको ज़्यादा मतलब डिटेल में टेस्ट करूँगा अपने फ़ोन में इंस्टॉल करके, और बढ़िया सा वीडियो बनाऊँगा आप सभी के लिए, और जो एपीके है उसको भी शेयर कर दूँगा। तो यार एपीके फिलहाल नहीं है, लेकिन जितने भी फीचर्स बाहर निकल के आए थे उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। तो इतने दोस्तों इस वीडियो के अंदर, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए ऐसे ही बने रहे, हमेशा स्मार्ट रहिए।